बिहार के बेगूसराय में गोलीकांड के बाद घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, जांच पड़ताल में मिला खोखा। इससे पहले पुलिस ने जारी किए 4 संदिग्धों के स्केच, पहचान बताने वालों को 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां गड़बड़ हुई ये पता लगाया जा रहा। आज तक इतने दिनों से रहा है, जरा जितना जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे कभी देखा है? एक एक चीज को देखे हैं। अब कोई कहां गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। सबका जो फोटो आया है हमको रेगुलरली जानकारी आ रही है और लोग बता रहे हैं कि पूरे तौर पर उसको देख रहे हैं। अब जब हो जाएगा तो पुलिस के लोग ही इस बात को एक एक चीज को राज्य में सुरक्षा को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, पूछा कि क्या बीजेपी शासित प्रदेशों में नहीं होते अपराध। बेगूसराय गोलीकांड मामले में जवाब दे रहे थे तेजस्वी। अगर बीजेपी शासित राज्यों में अपराध हो रहा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री अपराध कर रहे हैं क्या? वहाँ अगर रेप हो रहा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्या? सब गलत बात है, गंदा बयान है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आप क्या कहाँ जा रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़े राज्यों पर दिया बड़ा बयान, 2024 में सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का दिया आश्वासन। अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात, राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। 2 दिन के पटना दौरे पर हैं चंद्रशेखर आजाद। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी पर जमकर लाठियां बरसाने वाले SDM कन्हैया सिंह का सामान्य प्रशासन विभाग में ट्रांसफर किया गया। 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं कन्हैया सिंह। उनके खिलाफ जांच में उन्हें तिरंगे का ध्यान न रखने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का दोषी पाया गया था। पटना के डाक बंगला चौराहे पर अगस्त के महीने में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान SDM ने हाथ में तिरंगा लिए अभ्यर्थियों को लाठियों से बेरहमी से पीटा था। बिहार में जंगल राज की वापसी का नया उदाहरण मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां गुंडों ने दुकान तो जबरदस्ती बंद करा दी और पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि ताला खोल कर दिखाएं। दुकानदार से मांगी गई 1.5 करोड़ की रंगदारी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बेटे को हिरासत में लिया। बिहार के भागलपुर में केवीलाल रोड पर अपराधियों ने सिल्क कपड़ा व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारी मोहम्मद अफजल अपने चाचा की दुकान से लौट रहा था, जब बीच बाजार उन्हें गोलियों से भून दिया गया। घटना के बाद गुरुवार को बाजार में व्यापारियों ने दुकानें बंद रख विरोध जाहिर किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में OBC के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27% करने की मंजूरी दे दी है। राज्य में SC ST के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, जिसके बाद राज्य में SC ST और OBC आरक्षण 77% हो गया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में 1932 के खातियान को भी मंजूरी दे दी गई। साथ ही हेमंत सोरेन ने सरकार की मजबूती का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, OBC को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। अब ये चिंता मत कीजिए, ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप लोगों के काम की जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी है और आप सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों के लिए ये सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात।
सीएम सोरेन ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश की कॉपी उन्हें भी देने और जल्दी से जल्दी फैसला करने की अपील की। सोरेन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की खबर शेयर की।